बाड़मेर जिले में कार्यरत आशा सहयोगिनियों ने राज्य सरकार पर बजट में सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए शनिवार को रैली निकालकर प्रदर्शन किया। आशाओं ने राजस्थान सरकार के बजट में आशा सहयोगिनियों के हितों को ध्यान में नहीं रखने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को 13 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बाड़मेर जिले भर में कार्यरत आशा सहयोगियों ने राज्य सरकार पर बजट में सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए शनिवार को रैली निकालकर कलेक्ट्रेट के समक्ष राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हाल ही में जारी किए गए राजस्थान सरकार के बजट में आशा सहयोगियों के हितों को ध्यान में नहीं रखने की बात कहते हुए आशा सहयोगियों ने सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी कर जिला कलेक्टर को 13 सूत्रीय मांगों का मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मांगे लेकर आई हूँ कि हमें डेली 10 घरों का सर्वे करती हूँ। हम बहुत काम करते हैं, विजिट में जाते हैं, SBNC के फॉर्म के लिए मैं सब विजिट करते हो। हम 24 घंटे काम करते हो, रात के समय भी कोई कॉल आता है कि डिलीवरी के साथ जाती हो, टीकाकरण के जाती हो, प्लस पोलियम जाते हो, 24 घंटे प्लस पोलियम ड्यूटी लगती है। हम दौड़ भाग कर जाते हैं, हमारे बच्चे भी सिर होते हैं तो हमारा मान देखा में ANM के साथ काम करते हैं। हम घर वाले को भी धमकी सुनती, घर वाले कहते हैं आप 24 घंटे छोटे बच्चों को पीछे छोड़ के हम भाग जाती हो, हमको इस तरह करो, ANM को हम दर्जा दो। हम 5 साल से काम कर रहे हैं, उसको ANM का दर्जा मिलना चाहिए। जिले भर की आशा सहयोगियों ने आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले स्थानीय महावीर पार्क में बैठक आयोजित करने के पश्चात राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय तक रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आशा सहयोगियों का कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया, अगर आगे से उनकी मांगों को गंभीरतापूर्ण नहीं लिया गया तो मजबूरन आंदोलन की राह पकड़नी पड़ेगी। इस दौरान जिले भर से आई आशा सहयोगियां मौजूद रहीं।